हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ेंगे पेज नंबर 10 में फोर लेटर वर्ड्स। कौन से फोर लेटर वर्ड्स? लेट्स रीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कॉलम में फोर लेटर वर्ड्स ही दिया है, ए ई आई ओ और यू। तो ओके, तो हम वो रीड करेंगे। तो के बी ए एंड बैन। बैन एटले बंधन करूं, पट्टी, टोड़ की। बैन का मीनिंग क्या है? बंधन करना, पट्टी, टोड़ की, ऐसे तीन वर्ड्स बनते हैं। फिर LAM HANDY, हैंड। तो हैंड का मतलब क्या है? तो कि ये जो हाथ है उसको भी हैंड बोलते हैं। उसके बाद है LAND, लैंड मतलब भूमि, लैंड मतलब भूमि, जमीन, धरती, उसको बोलते हैं लैंड। उसके बाद है SANDY, सैंड। सैंड मतलब रेती, जो रेती आती है ना उसको बोलते हैं सैंड। उसके बाद है FANG, फैंग। फैंग का मतलब क्या है? अनिदार दांत, टीथ। ओके, उसके बाद है GANG, गैंग। GANG, गैंग, गैंग मतलब टोड़ की। SANG, सैंग। सैंग इतले गाओ, सैंग मतलब गाओ, गाना जो गाते हैं ना उसको बोलते हैं। BANK, बैंक। बैंक का मतलब क्या है? तो कि जो हम बैंक में पैसे रखते हैं ना, तो आप तो छोटे हो आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता है, तो वो जो बैंक में जाते हैं उसको भी बैंक बोलते हैं। फिर किनारो, किनारी, उनको भी बैंक बोलते हैं। PANK, टैंक। टैंक इटले टाकी, टैंक इटले टाकी। CAMP, कैंप। कैंप का मतलब क्या है? तो के शिविर। कैंप का मतलब क्या होता है? शिविर। और फिर दूसरा भी है, पड़ाव है, छावनी है, वो सब भी उसका मीनिंग है, लेकिन शिविर आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि कहाँ पे कहीं थोड़ा बहुत बच्चों को इकट्ठा करके कुछ सिखाते हैं, कहाँ यहाँ पे हमें जाना होता है, तो जैसे NCC वाले हमारे स्कूल में आते हैं, तो उनको बोलते हैं, वो जो आते हैं वो कैंप में आते हैं, है ना। फिर है LAMP, लैम्प। लैम्प का मतलब क्या है? तो के दीप, दीवो, उसको बोलते हैं लैम्प। जो फानस आती है ना बत्ती, उसको लैम्प बोलते हैं। RAMP, रैंप। रैंप मतलब उछलना, रैंप का मतलब क्या है? उछलना। LAMB, लैम्प। LAMB, लैम्प का मतलब क्या है? तो के जो वो बकरी होती है ना, बकरी, गॉट, उसका जो बेबी होता है ना उसको लैम्प बोलते हैं। जो गॉट होती है, जिसको आप बकरी बोलते हो, उसकी जो बेबी होता है उसको बोलते हैं लैम्प। PANT, पैंट। पैंट मतलब हाफ वो। पैंट का मतलब क्या है? हाफ वो, है ना। ओके, तो आपको समझ में आया ना बच्चों। उसके बाद है ई साउंड वर्ड। ई साउंड वर्ड्स में है BEND, बैंड मतलब वड़ांग, वड़वो। बैंड का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे देखा है ना, अगर आपको कुछ भी मरोड़ना होता है तो उसको बोलते हैं बैंड करना, है ना, तो उसको बोलते हैं बैंड। फिर MEND, मैन, इतले सुधरवू, सुधरना, रफू। ओके, BELT, बेल्ट, इतले पट्टो, कमर में जो पट्टा लगाते हैं ना उसको बोलते हैं बेल्ट। MELT, मेल्ट, इतले ओगड़ना, क्या, पिघड़ना। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघड़ना, ओगड़ना, है ना। बेस्ट, BEST, बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या है? तो के सर्वोत्तम, श्रेष्ठ। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हो तो बोलते हैं ना आपको कि आपने बहुत बेस्ट वर्क किया है, तो वो जो बेस्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं बेस्ट। ओके, NEST, नेस्ट। NEST, नेस्ट मतलब जो पक्षी जहाँ पे रहते हैं, बर्ड्स जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं नेस्ट। वो जो बनाते हैं ना उनका घर, हाउस, उसको बोलते हैं नेस्ट। RESTRest, इतले आराम करना।
अगर आप थक जाते हो तो मैडम बोलते हैं ना आपके क्लासरूम में कि चलो आप थोड़े टाइम रेस्ट कर लो, वो जो रेस्ट करते हो उसको बोलते हैं आराम करना है, वो रेस्ट है ये। TEST टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या है तो के परीक्षा, एग्जाम देते हो ना आप, वो होता है टेस्ट। VEST वेस्ट इतने बंडी, वो जो मानस लोग पहनते हैं ना उसको बोलते हैं वेस्ट। BENT बैंट इतने बड़ेलू, बैंट इतने बड़ेलू। उसको उसके बाद है TENT टेंट इतने शिखर, बेरी, तंबू, जो तंबू बांधते हैं ना उसको बोलते हैं टेंट। वो NCC वाले रहने आते हैं तो उसको वो जो तंबू बना के देते हैं ना उसको बोलते हैं टेंट। ओके, उसके बाद है GIFT गिफ्ट। गिफ्ट मतलब इनाम देना। अगर आप किसी पे नंबर आता है, कंपटीशन में रहते हो, पार्टिसिपेट होते हो, तो वो राइम्स गाते हो, स्टोरी बोलते हो और आपका जो आता है ना नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो उसमें आपको गिफ्ट मिलती है। और फिर आपकी बर्थडे पार्टी होती है तो आपके घर पे जो आते हैं मेरे फ्रेंड्स, वो सब आपको जो गिफ्ट लेके आते हैं और देते हैं उसको बोलते हैं गिफ्ट। LIFT लिफ्ट इतने फुफाड़वू, तो वो उचक वो लेफ्ट इतने। KING किंग इतने राजा। किंग का मतलब क्या है? राजा, मालिक। अंडरस्टूड? RING रिंग। रिंग का मतलब क्या है तो कि वीटी, ऐसे जो फिंगर के अंदर पहनते हैं ना उसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। उसके बाद है SING सिंग, मतलब गाना गाना है ना। उसके बाद है WIG विंग, मतलब पंख, जो बर्ड्स की जो पंख होती है ना जिससे वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं विंग्स। LIMP लिंब इसलिए स्थिर, पोचू। उसके बाद है PINK पिंक, मतलब वो जो गुलाबी कलर होता है उसको बोलते हैं पिंक। क्या बोलते हैं उसको? पिंक। SING सिंक इसलिए डुबू। क्या? डुबू। MILK मिल्क इसलिए दूध। दूध तो आपको सभी को अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में पीते हो ना, मॉर्निंग में भी पीते हो, नाइट में भी पीते हो, तो वो जो पीते हो उसको मिल्क बोलते हैं, MILK मिल्क। फिर है MINT मिंट इतले फुदीनो, जो आप पानी पूरी खाते हो ना उसका पानी के अंदर डालते हैं उसको बोलते हैं मिंट। WIND वैन इतले वायु, पवन, वो जो पवन आती है हवा उसको बोलते हैं WIND वैन। उसके बाद है ओ साउंड वर्ड्स, तो BORN बॉर्न इतले जन्म, उत्पन्न होना, वो जन्म होता है उसको बोलते हैं बॉर्न। CORN कॉर्न इतले मक्काई, जो आपको बहुत अच्छी लगती है ना उसको बोलते हैं कॉर्न। COST कॉस्ट, कॉस्ट इतले कीमती, कॉस्ट का मतलब क्या है? कीमती। फिर LOST लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब है लुप्त, लुप्त। कॉस्ट का मतलब है कीमत। अंडरस्टूड? कॉस्ट का मतलब क्या है? कीमत, मूल्य नक्की जो करता है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट। LOST लॉस्ट मतलब लुप्त, लुप्त क्या होता है? लुप्त, मृत, नष्ट, उसको बोलते हैं LOST लॉस्ट, खोवाएलू है ना। उसके बाद है POND पॉन्ड, पॉन्ड मतलब खाबड़ू, तड़ाव। ओके, वो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ होता है तालाब के जैसा, तो वो जो खाबुच्चा होता है जिसको आप खाबड़ू बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉन्ड। CONG सॉन्ग इटले गीत, गाना। काव्य, काव्य मतलब पोयम आपकी जो होती है और आप गाते हो ना उसको बोलते हैं सॉन्ग। उसके बाद है BUMP बम्प, बम्प मतलब टकराव, खूंद, ढेको। तो बम किसको बोलते हैं?
जो वो रास्ते में आप जाते हो अगर, तो कहीं रास्ते में बीच बीच में ऐसा बम्प बनाया हुआ होता है, वो जो होता है उसको बोलते हैं बम्प। HUMP हम्प, हम्प मतलब बड़ा, गाय ने ऊपर जे होई छे एने बोले छे हम्प। जो काव होती है उसके ऊपर जो होता है ना उसको बोलते हैं खुंद, जो को बोलते हैं उसको बोलते हैं हम। उसके बाद है JUMP जंप, जंप मतलब कूदना, जंप का मतलब क्या है कूदना। PUMP पंप, पंप का मतलब क्या है तो आपको पता है पंप किसको बोलते हैं, वो दवा छांटने का आता है, फिर आपके साइकिल के अंदर आप भरते हो ना हवा, तो एयर जो भरते हो तो उसको भी बोलते हैं पंप। फिर उसके बाद है CURD कर्ड, इटले दही। कर्ड का मतलब क्या है तो के दही। उसके बाद है DUST डस्ट, डस्ट मतलब धूल, डस्ट का मतलब क्या है धूल। JUST जस्ट, जस्ट इटले हमराज, जस्ट का मतलब क्या है हमराज। मस्ट, MUST मस्ट, इटले मस्ट का मीनिंग क्या है द्राक्ष नोर रस, अने अंग्रेजी शब्दमा मस्ट नो मतलब थाई छे फरज बता रहे छे, अंडरस्टूड। तो उसका दो ऐसे मीनिंग होता है। RUST रस्ट इटले काट, रस्ट का मीनिंग क्या है तो के काट। और JULP गर्ल इटले गॉट, मोटो कॉर्डियो, अंडरस्टूड। तो ये ऑल वर्ड्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको घर पे आपको रीड करना है और समझना है। ओके बच्चों, बाय।